तो इस वक्त एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय हो गया है। पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत आरोप तय। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय, बेहद बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत आरोप तय हुआ है, बड़ी खबर, अहम जानकारी। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की मुश्किलें कम होती बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय हो गया है और यह आरोप पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत तय किया गया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। हालांकि किसानों का जो आंदोलन है उसको अपना समर्थन देने के लिए अभय चौटाला पहुंचे हुए थे और इस बीच इस तरीके की भी राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि हो सकता है कि अभय चौटाला का जो स्टैंड है इसके बाद सियासी हवा तब्दील हो सकती है, लेकिन जिस तरीके की खबरें अब सामने आ रही हैं उससे ये लगता नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सुनिश्चित हुआ, पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत आरोप तय हो चुके हैं ओपी चौटाला के ऊपर। पूर्व सीएम ओपी चौटाला मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं और मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी है ये। तो अहम जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत ये आरोप तय किए गए हैं। पूर्व सीएम ओपी चौटाला शिकंजे में कसते नजर आ रहे हैं। इस बीच स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जो आय से अधिक आप संपत्ति का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था, उसमें आरोप तय कर दिए गए हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में ये जो है मामला चल रहा था। फिलहाल इस मामले में जो आरोप है वो ओम प्रकाश चौटाला पर जो है तय हो गए हैं और अब इस मामले की जो सुनवाई है वो जो है आने वाले समय में 27 फरवरी को होती हुई नजर आएगी। धारा 4 पीएमएलए जो एक्ट होता है 2002 उसके तहत जो है ये मामला जो है आरोप तय किए गए हैं। और इस पूरे कार्रवाई की बात करते हैं तो पिछले दिनों और कुछ संपत्ति जो है वो भी ईडी द्वारा जो है अटैच करने की बात जो है कही गई थी, लेकिन जो बड़ी जानकारी फिलहाल राउस एवेन्यू कोर्ट से जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मामला दर्ज था उसमें आरोप तय कर लिए गए हैं और आगामी तारीख को जो है अब 27 फरवरी को जो है। स्पर्श, इस समय जो तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं मेरे ख्याल में वो ये समझना चाहेंगे कि क्या ये जो आरोप तय हुए हैं इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है क्या? देखिए, नहीं, कोर्ट में मामला चल रहा था, राजनीतिक हस्तक्षेप कोई नहीं है। लगातार इस मामले पे जो है राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती हुई जो है नजर आती थी। ओम प्रकाश चौटाला फिजिकली कभी कभी उपलब्ध होते थे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो इस मामले पे सुनवाई होती थी, लेकिन अब जो इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी राउस एवेन्यू कोर्ट में उसमें जो है ओम प्रकाश चौटाला पर जो है फिलहाल जो मामला है जो आरोप है वो जो है तय कर दिए गए हैं। वैसे में इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हो या फिर किसी अंदर तरीके की बात है वो जो है निकलकर सामने नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि ये अहम जानकारी किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब आरोप तय हो चुके हैं। पीएमएलए 2002 के तहत, इस एक्ट के तहत ये मामला जो है तय हुआ है, ये आरोप तय हुआ है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला घिरते नजर आ रहे हैं। बेहद बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। हालांकि सियासी गलियारे में जिस तरीके से हवा बदलती नजर आ रही थी इंटरनेशनल लोकदल के लिए, अब वो थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है इस मामले के बाद। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की मुश्किलें क्योंकि बढ़ गई हैं और मामला छोटा मोटा नहीं है, मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ओपी चौटाला के खिलाफ मामला तय हो चुका है, पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं।